غلام رسول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته अरे भाई बकरे से दूर हो जाए क्या कर रहे भाई आपने तो मुझे डरा ही दिया फिजान भाई डरने की तो बात है जानवर है मार भी सकता है जज़ाक अल्लाह खैरा अच्छा गुलाम रसूल भाई आपका बकरा बड़ा मोटा ताज़ा है और हमारा बकरा तो देखो अरे भाई ऐसे नहीं बोलते आपके पास बकरा तो है कितने ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अबू के पास बकरा लाने के पैसे भी नहीं होते आप सही कह रहे हैं लेकिन हमें उनके लिए क्या करना चाहिए हाँ हम कर भी क्या सकते हैं बापा फरमाते हैं जिससे हो सके वो गरीबों के घर जानवर बिचवाते हैं और हाँ इसे कटवाने के पैसे भी हम भी अपने अबू से बात करते हैं क्या कहते हैं आप अरे हाँ जज़ाक अल्लाह खैरा गुलाम रसूल गुलाम रसूल गुलाम रसूल क्या खूबसूरत चले चले इसको छेड़ते हैं बड़ा मजा आएगा नहीं नहीं हरगिज नहीं ऐसा मत करें ये तो अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाला जानवर है और हमें इसका एहतराम करना चाहिए क्योंकि जानवरों को बिना वजह तकलीफ देने से अल्लाह ताला नाराज होता है और इसको सख्त नापसंद करता है इंशाअल्लाह मैं एहतियात करूँगा प्यारे मदनी मुन्नो गोश्त जरूर खाइएगा मगर एहतियात से